सनसनीखेज मामला जनपद जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम अभेदेपुर में सामने आया है, जहां करीब 15 दिन पहले हुई वृद्ध की हत्या का आज खुलासा हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने मीडिया में इस खुलासा करते बताया कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुद उसका अपना ही बेटा है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह की माने तो जायदाद के बंटवारे को लेकर दोनों बेटों ने पहले तो उसके साथ मारपीट की और बाद में वहीं पड़े हुए पत्थर को उसके सर पर मारकर हत्या कर दी और शव को ट्यूबवेल की कोठी में रखकर वहां से भाग गए थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवी सिंह के निर्देशन में बनी टीम ने सर्विलांस टीम स्थानीय पुलिस और मुखबिर की मदद से हत्यारोपी एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा किया सिरसा थाना का, क्या पूरा मामला है? यह थाना सिरसा कलार में गांव के बाहर जो है एक आदमी की डेड बॉडी मिली थी। ये 9/6/21 की घटना है। तो उसके पुत्र वीरेश सिंह सनाफ सुरेंद्र सिंह सुरेंद्र सिंह की बॉडी मिली थी अभेदेपुर थाना सिरसा कलार में। ये गांव के बाहर एक ट्यूबवेल में इसकी बॉडी मिली थी। तो पुलिस ने इस पर बात आगे बढ़ाई और कार्रवाई पंचनामा पोस्टमार्टम करा करके जो बात निकल करके आई है, इस सुरेंद्र सिंह को नवारसे में जमीन मिली थी। तीन लड़के हैं इसके, तीन लड़कों में से एक लड़के के पास इसका आना जाना ज़्यादा था और उसने नवारसे की जमीन को बंटवारा नहीं किया था। इस बंटवारे को लेकर के इसके जो दो भाई हैं अजय पाल और श्याम जी, ये पिताजी पे दबाव बनाते थे और उस जिस तारीख की घटना है 9 के रात को उसके कुछ ये शाम को उसे बहस हुई है। ये कहीं से आया था कोतवाली से। उसके पहले एक दिन घटना ये हुई थी कि कुछ ये बिजली का बिल जमा करने गया था तो कुछ लोगों ने बता दिया कि ये जमीन बैनामा करने गया। बात इसमें बिगड़ गई और दोनों जब आए शाम को लौट के, ये ट्यूबवेल पे रहता था अपने खेत में, ये दोनों लौट करके आए तो उसे बहस होने लगी अपने पिताजी से और उस बहस में ही बात बिगड़ गई और इन लोगों ने उसे वहीं पत्थर था पटक दिया, पत्थर से सर पे वार भी कर दिया। इनके हिसाब से ये जिंदा था और ले जाके उसी ट्यूबवेल के कमरे में बंद करके, दो लोग थे, और उठा करके उसको बंद करके ताला बंद करके भाग गई। सुबह जब पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस ने पड़ताल करी है। इसके सबसे छोटे लड़के ने जो है ये मुकदमा लिखाया, जब लोग उसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसे जेल भेजा जा रहा है। दूसरे भाई की भी तलाश हो रही है, उसको भी गिरफ्तार किया। सर रिश्ते में ये कौन थे और इनकी हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण मैंने बता दिया, नवारसे की जमीन थी जिसको लेकर के ये, चूंकि तीसरा लड़का जो वीरेश है वादी है उसके साथ इसका आना जाना ज्यादा था, उसने जमीन का बंटवारा नहीं किया था और घटना के ठीक एक दिन पहले ये बिजली का बिल जमा करने का था। हम लोगों ने बिल चेक किया था 84,000 गांव में, या जैसे भी इनको सूचना मिली कि ये पूरा जमीन का बैनामा तीसरे भाई को करने गया था। इस पे जब वो शाम को लौट के आया है, इन दोनों भाइयों ने उस ट्यूबवेल के कुछ दूर इसको घेर लिया, उसमें बहसी बहसा हुई और उसको पटक दिया पत्थर से, इसके सर पे वार कर दिया।